पढ़ेंगे आपका चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का, आपका पार्ट टू क्लास सिक्स एनसीईआरटी। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसमें, हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो हमारे यहाँ तक हो चुका था डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़ेंगे अब हम। तो इंडिया एक ऐसी डाइवर्सिटी है, मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग फूड जो है खाया जाता है, यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स, और यहाँ पर अलग अलग रिलीजन रहते हैं। बट एक्चुअली ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है कि जो रहते हैं उनके रहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। मतलब वो सेम चीज़ करते हैं पर उनके करने का तरीका वो अलग है। अब हम देखते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अ लिटिल मोर 100-200 ईयर्स अगो, ठीक है, 200 साल पहले से पहले क्या था, आपकी जो ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ये हमारी लाइफ का पार्ट बनी थी। मतलब पहले लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे, आपका शिप्स हो गया, हॉर्सेस, कैमल्स, और पैदल ही चला करते थे। ये हमारा अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ 200 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा एरोप्लेन, बस, कार, है ना। आगे ऑफ्टन दे वेंट इन सर्च ऑफ, तो किस लिए जाया करते थे वो, पहले के लोग जो थे न्यू लैंड्स की तलाश में, नई जगह की तलाश में, वहाँ पे रहने के लिए या फिर ट्रेड व्यापार के लिए। बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, ठीक है, तो पहले बहुत ज़्यादा समय लगता ट्रैवल करने में। सो वंस दे ट्रैवल, 1 मिनट, तो पहले बहुत टाइम लगा करता था जाने में लोगों को, तो जहाँ पर वो जाया करते थे तो वहीं पर बहुत लंबे समय तक रहा करते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, ठीक है, बहुत से अपना घर छोड़ देते थे, और उनमें से कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो वापस आ जाती थी, क्योंकि वहाँ पर क्या पड़ता था, सूखा पड़ जाता था, फेमाइंस, ड्राउट, ठीक है, फेमाइंस पड़ जाता था, सूखा, जो फेमाइंस किसे कहते हैं, खाने की कमी होना, ड्राउट पड़ जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे खाने के लिए इनफ फूड नहीं होता था, तो वो वापस आ जाया करते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ लोग काम की तलाश में जाया करते थे। एंड अदर लेफ्ट बिकॉज, और कुछ किस लिए छोड़ दिया करते थे वो जगह, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो जाया करती थी वॉर की वजह से। समटाइम एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब वो अपना घर बनाना शुरू करते थे नए प्लेस में, तो उनकी लाइफ में क्या आ जाता था, चेंज आ जाता था, लिटिल 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 चेंज, ठीक है। टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, ठीक है, कुछ ओल्ड तरीके से करते थे वो चीज़ें, है ना, तो कुछ नए तरीके अपनाते थे। तो जो उनका लैंग्वेज था, फूड था, म्यूज़िक, रिलीजन, ठीक है, तो ये सब उसके साथ मिक्स हो जाता था। मतलब पुराने मेथड के साथ नया मेथड मिक्स किया कर दिया जाता था, कुछ अलग ही बन जाया करता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ कल्चर की मिक्सिंग हो गई, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और उससे कुछ नया निकल के आया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी पीपल शोज दैट हाउ डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप देयर लाइफ, ठीक है, तो बहुत से लोगों की हिस्ट्री से ये पता चला है कि कैसे डिफरेंट कल्चर जो है उन्होंने शेप किया है लाइफ को, मतलब कल्चर को रहने में, मतलब उस जगह के कल्चर को शेप दिया है। दस रिलीजन बिकेम वेरी डाइवर्स, तो जो रिलीजन रीजन्स है, जो वहाँ की जगह है, वो अलग अलग, जो अलग अलग जगह है वो अलग अलग भिन्न है दूसरी जगह से, क्योंकि उनकी यूनिक हिस्ट्री की वजह से। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो केम अबाउट वैन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ, ठीक है, तो डाइवर्सिटी किस चीज़ से भी आती है, जैसे कि अगर कोई जोग्राफिकल एरिया है, मतलब कोई अलग रीजन है, और वहाँ के लोग उस तरीके से वहाँ पर रहना शुरू कर दें, जैसे कि अगर कोई सी के पास रह रहा है तो उसकी लाइफ डिफरेंट होगी जो माउंटेन में रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर का कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से रहना पड़ता है, वहाँ पे अलग, तो भिन्न हो गया ये भी। तो इसमें है नेक्स्ट आपका बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाय लद्दाख, इसमें आपका ये पेज नहीं दिखाई दे रहा है, ये पेज मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं हम। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाय लद्दाख, जो बुद्धिज्म है तिब्बत से लद्दाख में आया था, तो लद्दाख को क्या बोलते हैं हम, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं आपका। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन, तो इस्लाम इस रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था आज से करीबन 400 साल पहले, और वहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहा करती थी आपकी तिब्बत में। लद्दाख के क्या है, बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो ओरल मीन्स जो मुंह से गाते हैं, ट्रेडिशन मीन्स आपके धर्म धर्म से रिलेटेड होती है, तो
प्रथा होती है, ठीक है। तो मतलब सॉन्ग गाते हैं, पोएम्स, और जो लोकल वर्जन है तिब्बतन का, तिब्बती का, ठीक है। मीन्स जैसे कि इंडिया में रामायण हो गई, तो वैसे ही वहाँ पर एक नेशनल एपिक है केसर सागरा, ठीक है, तिब्बत में। तो इसे बहुत मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट साथ में ही गाया करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम ये देखिए आपका वुमेन वीविंग अ पाशिनामा वूल, पाशिनामा वूल जो वुमेन पाशिनामा वूल शॉल बुनते हुए, जो कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, गोट्स, याक्स होते हैं, उनसे उन्हें वूल मिलता है, तो वहाँ से वो जो है पाशिनामा शॉल बनाते हैं, ठीक है। केरला, केरला इज़ अ स्टेट, तो केरला कहाँ पड़ता है आपका, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, और ये चारों तरफ तो दोनों साइड से क्या है, सी से सराउंड है एक साइड से, और हिल भी है वहाँ पर, काफ़ी माउंटेन्स है। तो ये जगह किस चीज़ के लिए जाना जाता है आपके, स्पाइसेस हो गई, मिर्च हो गई, पेपर हो गया, क्लोव्स हो गई, कार्डमम्स, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्पाइसेस के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। इट इज़ अ स्पाइस दैट मेड दिस रीजन, ठीक है, जो स्पाइसेस ही है जो यहाँ पे इस रीजन को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो यहाँ से अलग अलग जगह से ट्रेडर आते हैं, जैसे आपके जूइश और अरब ट्रेडर्स आ गए, तो ये फर्स्ट यहाँ पर आए थे, द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, ठीक है। तो सेंट क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर, जो वो यहाँ पर कितने समय पहले आए थे, 2000 साल पहले, और यही क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाए थे। बहुत से अरब ट्रेडर भी यहाँ पर सेटल डाउन है। इबन बतूता जो है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आया था, हेयर अ लिटिल लेस देन, मतलब थोड़ा 700 साल से कम वो यहाँ पर रहा, और उसने क्या लिखी, एक ट्रैवलॉग, मतलब जो भी उसने डिस्कवर किया वहाँ पर अपनी जर्नी के दौरान, तो उसने क्या लिखी, ट्रैवलॉग लिखी, जिसमें उसमें क्या लिखा था, जिसमें लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स के बारे में बताया गया था, एंड सीज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उसमें क्या बताया गया है कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, हाईली रिस्पेक्टिव कम्युनिटी है, रिस्पेक्ट की जाती है बहुत। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट, जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सी रूट, मतलब सी का रास्ता डिस्कवर किया था यूरोप से, इंडिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है, यूरोप से इंडिया आने का। वैन वास्को डा गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, तो किस कौन था वो, वास्को डा गामा, जिसने ये डिस्कवर किया था शिप के द्वारा। बिकेम बिकॉज ऑल ऑफ दीज हैज़ वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो चूंकि इन सब के क्या थे, वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस थे लोगों के, पीपल जो केरला में हैं प्रैक्टिस कर क्या करते थे यहाँ पर, अलग अलग रिलीजन के, जैसे जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इन्फ्लुएंस था केरला में। द फिशिंग नेट यूज हेयर लुक, जो यहाँ पर फिशिंग नेट्स थे, ऐसे लगता था कि जैसे कि चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं ये, और इनको क्या बोलते थे, चीना वाला। इवन यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग, ठीक है, यहाँ पर यूटेंसिल्स है तो ये फ्राइंग के काम आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, चीना चाटी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, ठीक है। और ये क्या बिलीव किया जाता है, जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया, चाइना से। यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट है, किसके लिए सूट है आपका, राइस उगाने के लिए, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं, फिश और वेजिटेबल, मच्छी और सब्जियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बोट रेसिंग भी की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओनम, ओनम फेस्टिवल में यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेट किया जाता है, बोट रेस होती है यहाँ पर आगे। वाइल केरला एंड लद्दाख, ठीक है, जो केरला और लद्दाख हैं, अलग अलग क्या है, डिफरेंट है टर्म्स में, ज्योग्राफिकल फीचर, मतलब जगह के हिसाब से, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन, पर जो हिस्ट्री है उसकी काफ़ी सिमिलर है, कल्चर जो है वहाँ पर अलग अलग रहे हैं दोनों रीजन्स में, ठीक है। बोथ जो रीजन है, चाइनीज़ और अरब ट्रेडर से इन्फ्लुएंस है, दोनों जगह आए हैं चाइनीज़ अरब ट्रेडर्स। इट वाज द ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है केरला की, वो क्या अलाउड करती है वहाँ पे कि कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन होती है वहाँ के स्पाइसेस की, है ना। और जो लद्दाख की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो क्या अलाउ करती है, वूल की, है ना, वूल की ट्रेडिंग, इसलिए वहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं बहुत सारे। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफ्टन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या डिसाइड करती है, किसी जगह का कल्चर डिसाइड करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मर्डली अ थिंग ऑफ द पास्ट, अ प्रेजेंट लाइव्स ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम, ठीक है। जो हमारी जो पास्ट है, मतलब जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, भिन्नता है कल्चर में, वो हमारा पास्ट ही डिसाइड नहीं करता, बल्कि हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में या फिर रोज़मर्रा में जो हम काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, और अपने कल्चर ट्रेडिशन को बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, तो इससे क्या बढ़ता जा रहा है, न्यू प्लेस में भी क्या हो रहा है, कल्चर का इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। सिमिलरली इन आवर नेबरहुड्स वी लिव, ऐसे ही जैसे हम अपने नेबरहुड पड़ोस में रहते हैं तो वहाँ पे भी अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, है ना, तो हम उनसे मिलते हैं डेली लाइफ में, तो हम साथ रहते हैं, तो क्या होता है, अदर डीज कस्टम एंड, तो हमें एक दूसरे के कस्टम के बारे में पता चलता है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता में एकता। इंडियाज़ डाइवर्सिटीज़, तो इंडिया की अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, ये इसकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है। जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल करने आए थे तो जो डिफरेंट मैन थे, वुमेन थे, अलग अलग कल्चर के, रिलीजियस के, ठीक है, बैकग्राउंड अलग था सबका, पर वो क्या है, उस टाइम सब एक साथ साथ में आए और इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई की साथ में आके, थाउजेंड, ठीक है, जो हज़ारों लोग थे जिनके डिफरेंट अलग काम थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक साथ काम करने का डिसाइड किया, एक साथ सब एक्शन गए, जेल वो साथ में गए, और उन्होंने विरोध किया ब्रिटिश का और उनके खिलाफ़ लड़े। तो ऐसे ही हमें क्या रहना है, साथ में ही रहना है। तो और उन्होंने क्या सोचा, जो ब्रिटिश थे, कि ये तो सब अलग अलग है, कल्चर इनका अलग अलग है सबका, तो हम इन्हें आसानी से इनके ऊपर कब इनको हरा पाएंगे, पर ऐसा नहीं था। जो लोग थे उन्होंने दिखा दिया है कि भले ही उनकी अलग हो, सब कल्चर हो अलग, पर वो फिर भी एक हैं, ठीक है। और इस तरह उन्होंने बैटल की ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ पर एक सॉन्ग है, देखिए, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, द हंटर हैज़ स्टोन अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन द जलिया वाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जलिया वाला बाग ट्रेजेडी के बारे में आपको पता होगा, है ना, जो आपकी जलिया वाला बाग ट्रेजेडी हुई थी आपकी अमृतसर में, है ना, मैसेकर। तो यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो है, जो लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जनरल थे, जनरल डायर, है ना, तो उन्होंने इनके क्या किया, ऊपर अटैक कर दिया साथ में, और काफ़ी लोग मात्रा में मारे गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, दिस सॉन्ग वॉज संग, ठीक है, ये सॉन्ग किसके बाद गाया गया था, जलिया वाला बाग मैसाकेयर मीन्स, जो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है ना, मैसाकेयर अमृतसर में हुआ था ये। तो जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने क्या किया, लार्ज ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे, पीसफुल लोग थे, जो कि फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, हिंदू सिख थे उसमें, मुस्लिम थे, रिच एंड पुअर, ठीक है, तो सबने उसके खिलाफ़ क्या उठाई, बाद में आवाज़ उठाई, और फिर ये सॉन्ग कंपोज किया गया उनकी लोगों की, बहादुर लोगों की याद में। सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो स्पीच दे रहे हैं लोगों को, देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं आपके, जो सॉन्ग एंड सिंबल है जो इमर्ज हुए थे आपके फ्रीडम स्ट्रगल। तो इससे क्या होता है आपका, जैसे कि हमारा ये झंडा है, ये किसका प्रतीक है हमारा, जो हमने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, ठीक है जी, उसका प्रतीक है, ताकि हमारी पता हमारी डाइवर्सिटी को पता लग सके, ट्रेडिशन को पता लग सके कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में पता है, इट वॉज़ यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट, तो इसको प्रोटेस्ट का सिम्बल माना जाता है आपका, अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर, ठीक है, लोगों के द्वारा। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में लिखा है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, कि जो हिंदू यूनिटी है, जो हिंदू द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग, कि जो इंडियन में जो एकता है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं गई है ज़बरदस्ती बाहर से, पर ये क्या है, उनके दिल में अंदर है, जो टॉलरेंस है, उनका बिलीफ है, कस्टम प्रैक्टिस करते हैं, जो उनकी नॉलेज इन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है, ठीक है। तो नेहरू जी ने ये अपनी बुक में लिखा है अपना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हमारे कितनी भिन्नता है, फिर भी लोग क्या है, लोगों में एकता है, ठीक है। तो ये कंट्री के बारे में डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर देखिए, नेशनल जो एंथम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक
कैसे यूनिटी ऑफ इंडिया का पता चलता है हमें, चूँकि देखिए यूनिटी कैसे पता चलती है हमें, यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको सॉन्ग्स में भी देखेंगे आप। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका आपका सॉन्ग जन गण मंग मना अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ठीक है तो आप देख सकते हैं पंजाब है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगाल, बंगाल जैसे हो गया आपका बंगाल में, विंध्या हो गया आपका, ठीक है हिमाचल यमुना गंगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें, सभी जो स्टेट्स हैं हमारे उसका पूरा इसमें आपको बताया गया है उसके बारे में। ठीक है तो उसके बारे में मतलब फिर क्या बताया गया है कि कैसे हम एक हैं, सब एक में ही हमें दिखाया गया है। तो आपके यहाँ पर एक पेज जो है मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है तो यहाँ पर आपका पेज मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, लद्दाख के बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या बताया गया है कि जो लद्दाख में जो है कैसे यहाँ पर माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स है देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर रेगिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर सूखा रहता है, मतलब एक ऐसा है कि यहाँ पर स्नो रहती है ज़्यादातर साल के जो साल में ज़्यादातर दिन है यहाँ पर बर्फ़ रहती है। और समर में क्या करते हैं लोग, समर में जब बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं वो पानी पीने के लिए, और जो यहाँ पर गोट्स हो गए याक्स हो गए एनिमल्स, तो उनसे ही क्या करते हैं ये वूल्स बनाते हैं और पाशीनामा शॉल्स बनाते हैं, शॉल्स जो कि वो कश्मीर में बेचते हैं कि तो बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं है ना। तो जो उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके एनिमल्स से और काओ जो उनकी याक हो गए गोट्स हो गए उनसे ही वो अपना मिल्क हो गया जैसे कि है ना, तो उससे ही वो अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पर मीन्स जैसे कि आपको लग रहा है कि ये डेजर्ट है पर ऐसा नहीं है, यहाँ से भी जो पहले बहुत सारे ट्रेडर्स है ट्रेडर्स यहाँ से कहाँ पर जाया करते थे, तिब्बत हो गया चाइना हो गया है ना, तो इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है आपको लद्दाख को है ना। तो ये काफ़ी यहाँ से ट्रेडर्स जाते थे आपकी वेरियस, यहाँ से एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग होती थी। तो इसमें ये बताया गया है आपका कि स्टूडेंट्स थैंक यू, आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।